ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रेस में ऋषि सुनक विदेश सचिव लिज ट्रस के मुकाबले पिछड़ते नजर आ रहे हैं। टोरी वोटर्स के ताजा सर्वे के मुताबिक विदेश सचिव लिज ट्रस ने ऋषि के खिलाफ मजबूत बढ़त बना ली है। बुधवार को जारी हुए कंजर्वेटिव होम सर्वे का परिणाम लगभग वही रहा जो बीते महीने था। टोरी वोटर्स के सर्वे के मुताबिक इस बार ऋषि सुनक 28%, लिज ट्रस 60% और 9% अनिर्णायक है। बीते महीने की बात करें तो ऋषि सुनक 26% पर थे, लिज ट्रस 58 और 12% अनिर्णायक थे। पार्टी के 961 सदस्यों के कंजर्वेटिव होम सर्वे में कहा गया कि हमने इस बार एक ही कॉलम में न तो वोट दिया और न ही वोट देंगे। एक बार जो सदस्य अनिर्णायक स्थिति में आते हैं तो दावेदारों के बीच समान रूप से उनके अंक बांट दिए जाते हैं। विदेश सचिव ट्रस ऋषि सुनक पर 32 अंकों की बढ़त बनाए हुए हैं। इससे पहले 2 अगस्त को खत्म हुए UGOV के सर्वे में ऋषि सुनक विदेश सचिव लिज ट्रस से 34 पॉइंट पिछड़ गए थे। UGOV द्वारा किए गए सर्वे में करीब ब्रिटेन के नए PM के तौर पर लिज ट्रस को अपनी पसंद बताया था। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन ने PM पद से इस्तीफा दे दिया था। अभी ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता का चुनाव 2 चरणों में होता है। पहले चरण में पार्टी के सांसद वोट देते हैं। वोटिंग की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक 2 उम्मीदवार न रह जाए। इस बार 5 चरणों में वोटिंग है। इसके बाद 2 उम्मीदवार ऋषि सुनक और लिज ट्रस आखिरी रेस में रह गए हैं। खास बात यह है कि इन सभी 5 चरणों में ऋषि सुनक सांसदों की पहली पसंद रहे। अब ये चरण पूरा हो चुका। दोनों उम्मीदवार देश भर में रैलियां कर पार्टी के सदस्यों से वोट मांग रहे। इससे पहले भी पूर्व उम्मीदवार एवं कंजर्वेटिव पार्टी के कद्दावर नेता टॉम ने समर्थन कर दिया था लिज ट्रस को। टोरी सांसद एवं हाउस ऑफ कॉमन्स की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष टॉम ने कहा था कि उन्होंने करों के तत्काल कटौती किए जाने के वादे को लेकर ट्रस को प्राथमिकता दी है, जिसके बाद ऋषि के लिए राहें कठिन हो गई है। बता दें कि टॉम शुरुआत में पार्टी के नेता पद की दौड़ से बाहर कर दिए गए थे, हालांकि वो पहले उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे ऊपर थे। टॉम का समर्थन ऋषि सुनक को न देना अपने आप में ही कई बड़े सवाल खड़ा कर रहा, क्योंकि एक तो वो ब्रिटिश सेना में सैनिक भी रह चुके और दूसरी बात ये कि पार्टी के साथ साथ देश के कद्दावर नेताओं में वो गिने जाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनका ये खेल मायने रखता है। टॉम ने कहा कि टेलीविजन पर सीधे प्रसारण वाली बहस में उम्मीदवारों को देखने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ट्रस का समर्थन किया जाना चाहिए। लिज देश में और विदेश में सदा ही ब्रिटिश मूल्यों के लिए खड़ी रही। उनके हाथों में नेतृत्व रहने पर वो बेशक देश को कहीं अधिक सुरक्षित बनाने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगी। दोनों ही उम्मीदवार बेहद खास हैं और दोनों में जबरदस्त प्रतिभा है, लेकिन ट्रस कुछ मामलों में सुनक से आगे हैं। खैर, ब्रिटेन में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा इसका ऐलान तो 5 सितंबर को किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से इस भारतवंशी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ा और हिम्मत के साथ खुद को इस रेस में नंबर 1 तक ले आए, वो काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।